Welcome to Shalini Mukesh Shublikar channel. Today I am going to teach you Marathi Sulabh Bharati Iyatta Satvi. Dhada 5 Dadas Patra. Dinank 25-1-2017. Yane 25-1-2017. Priya Dada. तो अपने भाई को वो लेटर लिख रही है लड़की, तो किस बारे में लिख रही है वो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्रिय दादा सप्रेम नमस्कार, अभी उसके बड़े भैया है तो वो उसे नमस्कार करके उसने लिखा है। जब भी आप लोग लेटर लिखते हैं ना, तो ये कॉमा कहाँ पर है, फुल स्टॉप कहाँ पर दिया है, किसके बाद में कॉमा आता है, फुल स्टॉप कब आता है, ऐसे ये चिन्ह कब आता है, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। सप्रेम नमस्कार। दादा कालच मी सहलीला जाऊन आले, यानी कल ही मैं पिकनिक जाकर आई। अरे इतकी मजा आली काय सांगू, इतनी मजा आई कि मैं तुझे क्या बताऊं। या महिन्यात विज्ञान केंद्रातर्फे आमच्या शाळेत पक्ष्यांसंबंधीची चित्रफीत दाखवली। अभी एक साइंस केंद्र था, विज्ञान केंद्र, तो उन लोगों को स्कूल में उन लोगों ने एक बर्ड्स के बारे में डॉक्यूमेंट्री उन लोगों को दिखाया था, इसे स्कूल में दिखाते ना कभी कभी, तो ती पाहून आणि तेव्हा ताईदादांनी सांगितलेली माहिती ऐकून यावर्षी शाळेची सहल एखाद्या अभयारण्यातच न्यायची असा हट्ट आम्ही शिक्षकांजवळ धरला। अभी वो जो डॉक्युमेंट्री थी वो बर्ड्स के बारे में ही थी, तो वो देखने के बाद में जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, तो उन लोगों ने क्या डिमांड किया उनके टीचर्स से कि इस बार पिकनिक कहाँ लेकर जाएंगे, उनको अभयारण्य में, फॉरेस्ट में लेकर जाएंगे। ऐसे बच्चों ने जिद किया, हट कया ने जिद किया, किसके सामने, टीचर्स लोगों के सामने। सहलीच्या दिवशी आम्ही पहाटेच निघालो, अर्ली मॉर्निंग में हम लोग निकले पिकनिक के दिन। सोलापूर बार्शी मार्गावर 22 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नान्नज गावाजवळ माळढोक अभयारण्य आहे। अभी माळढोक नाम का एक बर्ड है, कहाँ पर है वो, सोलापूर बार्शी मार्गावर यानी रूट में 22 किलोमीटर अंतरावर, डिस्टेंस पर क्या है, नान्नज गांव के पास में माळढोक अभयारण्य है। ठरलेल्या वेळी आम्ही तिथे पोहोचलो। अभी पिकनिक होता है तो सबसे पहले प्लानिंग करते हैं ना, कितने बजे हम लोग पहुँचेंगे, क्या है, तो वो हिसाब से जो टाइम डिसाइड किया था उस टाइम में वो लोग बराबर वहाँ पर पहुँचे। अभयारण्यातून फिरत असताना सर सांगत होते, अभी जब पिकनिक में बच्चे लोग जंगल में घूम रहे थे तभी उन्हें सर सब बता रहे थे कि भारतातून नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेल्या माळढोक या अत्यंत देखण्या पक्ष्याला वाचवण्यासाठी वन विभागानं हे अभयारण्य घोषित केलं आहे। अभी देखो सर ने क्या होता है, कभी भी हम लोग पिकनिक में जाते हैं तो उस जगह की खासियत क्या है उसके बारे में हम लोगों को सर या टीचर बताते हैं, तो उन लोगों को सर ने क्या बताया, भारतातून नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेल्या यानी इंडिया से ऑलमोस्ट वैनिश होने आए थे ये बर्ड्स, कौन सा बर्ड था वो, माळढोक, या अत्यंत देखण्या बहुत ही ब्यूटीफुल है पक्ष्याला वाचवण्यासाठी, एकदम ये ब्यूटीफुल बर्ड को बचाने के लिए वन विभागान हे अभयारण्य घोषित केलं आहे। जहाँ पर ये माळढोक बर्ड्स थे ना, उस बर्ड को उन लोगों ने माळढोक का ही नाम दे दिया। माळढोक पक्षी शेतकऱ्याचा मित्र आहे। अभी माळढोक ये जो बर्ड है वो फार्मर लोगों का फ्रेंड है, कारण शेतातील कीड्यांवर
तो गुजराण करतो। अभी मालढो क्या खाता है? जो फार्म में जो कीड़े लग जाते हैं ना अनाज को, उसको वो खाने का काम करते हैं, इसीलिए वो फार्मर लोगों के फ्रेंड्स है। हा पक्षी वर्षातून एकदाच अंडी घालत असल्याने त्याची संख्या कमी आहे। अभी मालढोक ये जो बर्ड है वो साल में सिर्फ एक ही बार एक ही अंडा देती है, इसके लिए इन लोगों की जो संख्या है बहुत कम है। शिवाय इतर प्राण्यांनी मालढोक पक्ष्यांची अंडी तुळवली तर संख्या आणखीनच कमी होते। अभी वो जंगल है, उस जंगल में और भी दूसरे एनिमल्स रहते हैं। अगर कभी क्या होगा, कोई एनिमल वहाँ से घूम रहा है और ये जो मालढोक बर्ड का जो अंडा है उसके पैर के नीचे आ गया या कुछ न कुछ कारण से वो अंडा टूट गया, तो एक साल तक फिर वो अंडा नहीं देगा। तो इस तरह से क्या हो गया है, उन लोगों का जो, तो ये मेन रीज़न है उन लोगों के नंबर्स जो है कम कम होते जा रहे हैं। अभी ये क्या है, ये लड़की उसके पिकनिक के बारे में अपने भाई को लेटर लिख रही है, ये आप लोग भूलना मत। और ये सब इन्फॉर्मेशन उसने लेटर में दिया हुआ है। दादा, देखो दादा के बाद आता है क्वामा, आम्ही हा मालढोक पक्षी अगदी जवळून व निरखून बघितला। अभी ये बर्ड उन लोग को एकदम नज़दीक से देखने को मिला और सब बच्चे लोगों ने बहुत अच्छे से उसको ऑब्जर्व किया ध्यान से। काय त्याचा रंग, इतना ब्यूटीफुल है उसका कलर। काय त्याची चोच, कितना ब्यूटीफुल चोच, इतका देखना पक्षी मी यापूर्वी कभी ही बघितला नव्हता। अभी वो क्या बोल रही है अपने भाई को, इतना वो ब्यूटीफुल बर्ड था, उसके उसका रंग बहुत ब्यूटीफुल था, उसका जो बीक था वो बहुत ब्यूटीफुल था, और मैंने मेरे लाइफ में इतना ब्यूटीफुल बर्ड आज तक कभी नहीं देखा करके वो अपने भाई को बता रही है। मालढोक पक्षा बरोबरच आम्ही चंडोल, माल टिटवी तसेच इतर पक्षी ही पाहिले। अभी मालढोक को तो देखा ही और साथ में ही चंडोल भी बर्ड है, माल टिटवी बर्ड है, हे इतर पक्षी ही पाहिले। ये आएगा क्वेश्चन एग्जाम में तुम लोगों को, मालढोक के साथ में कौन से पक्षी और मालढोक की संख्या क्यों कम हो रही है करके। पक्ष्यांचे फोटो काढण्यापूर्वी वन खात्याची पूर्व परवानगी घ्यावी लागते। अभी देखो किसी किसी जगह पे फोटोज निकालना अलाउड नहीं होता, या किसी किसी जगह पे उन लोगों का परमिशन लेना पड़ता है तभी वो लोग फोटो निकालने देते हैं। तो वही वो लड़की बता रही है कि पक्ष्यांचे फोटो काढण्यापूर्वी वन खात्याची पूर्व परवानगी यानी एडवांस में ही परमिशन लेना पड़ता है, घ्यावी लागते, हे आम्हाला नव्यानच समजलं। अभी जब ये लोग अंदर चले गए तभी उन लोग को पता चला कि वहाँ पर फोटो निकालने को अलाउड नहीं है, विदाउट परमिशन कोई भी फोटोज नहीं निकाल सकते हैं। ये नया ही बात हम लोगों को समझ में आया। पक्षी हा संतुलित पर्यावरणाचा अविभाज्य घटक आहे। संतुलित करना यानी बैलेंस करना। बर्ड जो है वो एनवायरनमेंट को बैलेंस करने का काम करते है, प्रदूषण टाळण्यात, बियाणं वहन करण्यात त्यांची प्रमुख भूमिका असते। अभी पॉल्युशन अवॉइड करना, बियांचं वहन यानी उन लोग जो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो जो उसके जो बीज रहते हैं वो आखे ही रह जाते हैं उनके बॉडी में, ठीक है। फिर जब वे लोग उनके स्टूल में से वो निकल जाता है तो इस तरह से वो पेड़ बढ़ते जाते हैं, उनके बीज गिर जहाँ जहाँ पर बीज गिरते हैं वहाँ वहाँ पर पेड़ बढ़ते हैं, ठीक है। हे आमच्या सरांनी सांगितलेलं आम्हाला पटलं, हम लोगों को हम सब एग्री हो गए जो भी ये सर ने हमें बताया। आमची सहल अविस्मरणीय झाली। वो बोलते हैं ना एक मेमोरेबल थिंग होता है जो कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकते हैं, अनफॉरगेटेबल।
तो ऐसा ये पिकनिक हम लोगों का हुआ। दादा अभयारण्यातून फिरताना तुझी खूप आठवण आली कारण तुला ही पक्षी खूप आवडतात। अभी वो क्या बोल रही है बहन, दादा अभयारण्यातून फिरताना जंगल में घूमते समय मला तुझी खूप आठवण आली, मुझे तेरी बहुत याद आई कारण तुला ही पक्षी खूप आवडतात, क्योंकि तुझे भी बर्ड्स बहुत पसंद है। इसके लिए उसको बहन को भाई की याद आई, अगर वो भी होता तो देख के बहुत खुश हो जाता। इकड़े मी आई बाबा मजेत आहोत, यहाँ पर मैं आई और बाबा हम लोग मजे में है। तू कसा आहेस, तू कैसा है, तुझा अभ्यास कसा सुरू आहे, तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है, पत्र मिळताच तुझी खुशाली कळव, लेटर मिलते ही तेरी खुशाली बता, आम्ही तुझ्या पत्राची वाट बघत आहोत, हम लोग तेरे लेटर का इंतजार कर रहे हैं, तुझी बहन आयशा। देखो तुझी बहन के बाद में आया है क्वामा, फिर उसने नाम लिखा है आयशा। तो ये जो बारीक बारीक छोटी छोटी बातें हैं इन लोगों को आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। ये देखो ये है मार्गो पक्षी, आप लोग नेट पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये था एक लेटर राइटिंग का एक मॉडल बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप लोग को जब एग्ज़ाम में लेटर राइटिंग पूछते हैं तो आप लोग किस तरह से लिखेंगे उसके बारे में ये सब आइडियाज़ दिए हैं आप लोगों को। और मालडोक जो बर्ड है उसके बारे में मेन इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है। आई होप आप लोगों को लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं इसके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर्स लिखना, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।